माय नेचुरल ग्रीप चैनल। हमारा आज का टॉपिक है स्लीपिंग मास्क के ऊपर, खासकर विंटर स्लीपिंग मास्क के ऊपर। हम सभी को काफी समस्या है कि हम रात में आखिर क्या लगाएं सोने से पहले। हम टोनर लगाएं या मॉइस्चराइजर लगाएं, एंटी एजिंग क्रीम लगाएं, एसेंस लगाएं, सीरम लगाएं, आखिर लगाएं तो लगाएं क्या। इतने सारे चीज लाइन से लगाना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल से भी बड़ी बात है, हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है हमारा डेली लाइफ में इतने सारे प्रोसेस को मेंटेन करना। ठीक है, मेरे पास भी नहीं होता है और आप सबके पास भी जरूर नहीं होगा इतना वक्त इसे इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करना। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा मतलब एक ही क्रीम बनाया है, जो आप अगर यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कोई भी अलग से क्रीम अप्लाई करने की फेस में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए इसे बनाने के लिए। इस क्रीम को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज किया है बीट रूट, जिसे हम चुकंदर के नाम से जानते हैं। इसमें काफी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, इसमें विटामिन की तो जैसे लाइन लगी हुई है, तो इसलिए आपको अलग से एंटी एजिंग क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। साथ में मैंने यहाँ पे यूज किया है खीरा। खीरा में काफी टोनर की प्रॉपर्टी है, तो आपको अलग से टोनर भी यूज करना नहीं पड़ रहा है। साथ में जिनकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, खीरा उसमें बहुत ही फायदा करती है। पिगमेंटेशन की अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम है तो पिगमेंटेशन आपकी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके स्किन में बहुत ही फायदा करती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारे इस प्यारे से क्रीम को बनाना कैसे है। विंटर नाइट मास्क बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चुकंदर। जी हाँ, इसे हम बीट रूट के नाम से भी जानते हैं। और साथ में चाहिए आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल, खीरा यानी कुकुम्बर और 1 चम्मच ग्लिसरीन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो बीट रूट है और खीरा है, इन दोनों को हम अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे। ये गया हमारा बीट रूट और खीरा, अब हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पीस के इसका एक पेस्ट बना लेना है और अब हम इसे छान लेंगे। अब इसे छान के हम इसका जूस को निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो आइए अब हम जेल बनाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी लेना है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा एलोवेरा जेल। 2 चम्मच एलोवेरा जेल हमें चाहिए, तो ये गया 1 चम्मच और अब ये गया हमारा दूसरा 2 चम्मच एलोवेरा जेल। और अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन। ठीक है, जिनकी ऑयली स्किन है वो 1/2 चम्मच ग्लिसरीन यूज़ करें, जिनकी नॉर्मल स्किन है वो 1 चम्मच करें और जिनकी ड्राई स्किन है वो 1 से 1.5 चम्मच यूज़ करें। ठीक है जी, तो ये चला गया हमारा ग्लिसरीन, 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हमारा ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच हमारा जो जूस निकाले हैं हम लोगों ने, कुकुम्बर और चुकंदर, ये दोनों का जो जूस हमने निकाला है इसे हम ऐड करेंगे 2 चम्मच। ये गया 1 चम्मच और ये गया हमारा 2 चम्मच। ठीक है, इसमें एलोवेरा जेल है तो हम इस चम्मच को ही हम यूज़ करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके एक जेल फॉर्म में बना लें। ठीक है, देख रहे हैं ये बिल्कुल क्रीम फॉर्म में आ गया है आपका एकदम जेल मास्क जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह का एक कंटेनर लेंगे और इसे इसमें
ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि ये अच्छे से फ्रिज में ज़्यादा दिन तक रह सके। ये देखिए जी, हमारा क्रीम बिल्कुल इस तरह से दिखेगा, दिख ही रहा होगा आपको, है ना। आप सभी को हमारा आज का रेमेडी बहुत पसंद आया होगा, आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें। और इसे लगाने की प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले तो अपने फेस को अच्छे से साफ कर ले, या तो आप फेस वॉश यूज करें या कोई क्लिंजिंग मिल्क यूज करें। आप अच्छे से फेस को अपना साफ कर ले और उसके बाद आप इस क्रीम को अच्छे से अपने फेस में अप्लाई कर ले और फिर सो जाए, और फिर सुबह आपकी प्यारी प्यारी सी गुलाबी गुलाबी सी त्वचा आपके लिए बिल्कुल रेडी है। और हाँ, आज के वीडियो में मेरी जो आवाज़ है थोड़ी नाक से निकल सकती है क्योंकि मुझे जुकाम है, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेमेडी के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।